तो नहरों में बहुत ही कचरा पड़ा है, ईंटें पड़ी है, बोरियां पड़ी है, उसके अंदर पीछे से जो गंदगी आ रही है वो सारी की सारी नहरों के अंदर पड़ी है। तो कोई भी पंचायत हो, हर नहर के एक अध्यक्ष बोलते हैं भी हमें पीछे से कोई इसका पैसा नहीं मिलता सफाई करने के लिए। हमें नहरबंदी चल रही है और नहरों की साफ़ सफाई को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, सिंचाई विभाग गंभीर है या नहीं। हमारे साथ किसान नेता हैं और जिला परिषद सदस्य हैं मनीष गोदारा जी, इन्हीं से जानते हैं कि बंदी के दौरान नहरों की साफ़ सफाई पर क्या कहना है आपका। मेरा तो नहरों की सफाई को लेके अभी मैंने 3-4 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी और उन्हें मैंने बताया था कि साहब आप जो भी ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ विधानसभा में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सभी सरपंचों को आप बुला के या उनकी मीटिंग करके एक उनको अवगत करवाएं कि नहरों की जो सफाई, अभी नहरों की बंदी चल रही है, मई तक बंदी है। तो गाँव में सरपंचों से, मेरे गांव में सरपंच है या और भी मेरी पंचायतों में सरपंच आते हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला भी नरेगा की सफाई, नरेगा से हम नहरों की सफाई एकदम नहीं करवा सकते क्योंकि हमें काम करने का ऑर्डर नहीं मिलता। अगर ऑर्डर जब तक मिलेगा तब तक नहरों में पानी आ जाएगा। तो मैंने ये सारी समस्या कलेक्टर साहब से बैठ के इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने मेरे सामने ही सिंचाई विभाग को एक लिखित में लेटर दिया भी आप सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को ये खुला आदेश दें कि वे अपने नरेगा से नहरों की और वाटरवर्क्स की जो सफाई है वो जल्द से जल्द करवा सकते हैं। आपके विभाग द्वारा NOC में कोई देरी नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत की जो लेटर पेड हेड है वो सिंचाई विभाग से आप NOC ले लें। आपको NOC में कहीं भी आपको दिक्कत पैदा नहीं होगी क्योंकि कलेक्टर मोदी ने ये स्पष्ट कहा है कि जो भी ग्राम पंचायत सिंचाई विभाग से NOC लेना चाहे नहरों की सफाई को लेकर और वाटरवर्क्सों की सफाई को लेकर, तो उन्हें NOC हाथों हाथ NOC दी जाए जिससे नहरों की सफाई हो जाए नरेगा द्वारा। और नरेगा भी चाहती है कि हमारे गांवों में और हमारी वाटरवर्क्स की जो गाँव की नहरें हैं और वाटरवर्क्स की सफाई है वो सफाई हो जाए जिसमें जन सहयोग भी रहेगा, गाँव के लोग भी, युवा साथी भी उसमें सफाई करने के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सभी सरपंचों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने लेटर पैड हेड पे सिंचाई विभाग को NOC लिख देने के लिए कहें, वो आपको NOC हाथों हाथ NOC देंगे और अपने ग्राम पंचायतों में जो भी नहरें पड़ती है जिस ग्राम पंचायत में वो नहरें और वाटरवर्क्सों की सफाई करवा लेवे क्योंकि मई में पानी आ जाएगा। अभी नहरें सारी सूखी पड़ी हैं तो नहरों में बहुत ही कचरा पड़ा है, ईंटें पड़ी है, बोरियां पड़ी है, उसके अंदर पीछे से जो गंदगी आ रही है वो सारी की सारी नहरों के अंदर पड़ी है। तो अब अपने पास एक मौका है नरेगा द्वारा हम सभी गांव के युवा साथियों द्वारा उन नहरों की सफाई कर लें जिससे मई में जब पानी आएगा तो साफ पानी मिल सके, नहरों की इस बहाने से सफाई हो जाएगी क्योंकि अगर अभी सफाई नहीं हुई तो फिर ये आगे एक साल पे जा पहुँचेगी, सफाई नहीं हो पाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं जो है सिंचाई विभाग का जो काम है जनप्रतिनिधियों को मुद्दा उठाना पड़ता है, सिंचाई विभाग इसमें कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, उनको स्वयं आगे आकर के ये प्रस्ताव देना चाहिए था। अच्छी बात है आपने मांग उठाई है, जागरूक हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की इसमें ढिलाई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? साहब सिंचाई विभाग की ढिलाई भी बहुत ज़्यादा ढिलाई है, अफसरशाही जो जनप्रतिनिधि है उन पर अफसरशाही दिनों दिन हावी होती जा रही है और जनप्रतिनिधि भी जो है वो चुप खामोशी में रहते हैं, गांव के लोग भी है वो नहीं भी बोलते, उस बात का विरोध नहीं करते। अगर नहरों की सफाई करने के लिए हम अगर अधिकारियों का इंतजार करेंगे तो वो नहरों की सफाई नहीं हो सकती क्योंकि सरकारों ने ऐसे सिस्टम बना दिए, ऐसे नियम बना दिए भी नहरों का सारा सिस्टम है जो जनता के ऊपर लाद के रख दिया, नहरों के अध्यक्ष बना दिए, नहरों के खालों के चुनाव होने लग गए। अब जब हम अधिकारियों को नहरों की सफाई के लिए बोलते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं भी आप अपने जो नहरों के अध्यक्ष हैं आप उनसे बात करें। जब हम नहरों के अध्यक्ष से बात करते हैं तो अध्यक्ष साहब कहते हैं, कोई भी पंचायत हो हर नहर के एक अध्यक्ष बोलते हैं भी हमें पीछे से कोई इसका पैसा नहीं मिलता सफाई करने के लिए, हमें हमारे पास इतने आदेश नहीं है या इतने पैसे नहीं है जी हम नहरों की सफाई करवा सकें। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि आप नरेगा के माध्यम से, साथ में नरेगा को काम भी मिल जाए और नहरों की और वाटरवर्क्स गांव में सफाई भी हो जाए। वो नरेगा भी चाहती है क्योंकि वो गांव के ही लोग हैं नरेगा में जो लगे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे गांवों की नहरों की वाटरवर्क्स की सफाई हो जिससे हमें पानी, स्वच्छ पानी मिल सके। नहीं, नहरों के अध्यक्ष बनाना और सिंचाई विभाग अपने कार्य से पीछे हट जाना, कहीं ना कहीं इससे तो पुरानी व्यवस्था जो अच्छी थी क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी, अब क्योंकि राजनीति हावी रहती है, कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, नहरी अध्यक्ष अपनी मनमानी भी कई जगह करने की बातें सामने, तो आपको नहीं लगता कि पुरानी व्यवस्था सही थी? सर पुरानी व्यवस्था तो इसलिए सही थी कि जब कोई भी समस्या होती तो हम अधिकारियों से मिल सकते थे, अधिकारियों को बोलते थे और उनको उनकी कमी बताते थे भी आपकी ये कमी, आप नहरों की सफाई करवाएं, तो वो कुछ न कुछ जवाब देते थे। पर आजकल तो क्या उन्होंने एक ही बात ठान रखी है, अभी आप अध्यक्ष साहब से मिलो, अध्यक्ष साहब उसकी सफाई करवाएंगे, यानी कि अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हैं आजकल सारे के सारे। तो ये थे मनीष जी,
नहरों की सफाई क्योंकि बंदी चल रही है, इन्होंने कलेक्टर से गुहार भी लगाई है और सभी सरपंचों से निवेदन भी किया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर नहरों की सफाई करा लें, क्योंकि नहर बंदी अब चल रही है, इसीलिए नहरों की सफाई इस बहाने से हो जाएगी। और अगर साफ़ सुथरी नहर रहेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को पानी भी पूरा मिलेगा, टेल तक पानी पहुँचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की कलवन न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।